वन विभाग ने लकड़ी व वन्य जीव तस्करों को भयभीत करने के लिए लगभग 42 किलोमीटर दूरी की पैदल गश्त की। आज वन्य जीवों की सुरक्षा व जंगल की बेशुमार कीमती लकड़ी के अवैध कटान की रोकथाम की दृष्टि से उत्तरी जसपुर फोटो रेंज और परिसर 44 नंबर प्लॉट से होते हुए उत्तरी जसपुर रेंज पर आत्मल तक लगभग 42 किलोमीटर की पैदल ग्रस्त वन्य जीवों की सुरक्षा व लकड़ी तस्करों को भयभीत करने के लिए जंगलों से लेकर रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले गांव में पैदल मार्च निकाला। तस्करों को भयभीत करने के लिए वन विभाग ने सख्ती प्रदर्शन किया। ऐसे ही नहीं, वन में विभाग पैदल मार्च पहली बार निकाला है। वन्य विभाग के हर 3 महीने में निकलता है, जिससे जंगलों में घुसपैठ करने वाले तस्करों की घुसपैठ जंगलों की कम हो जाए। ये पैदल मार्च 2 या उससे अधिक रेंज ऑफिस स्टाफों का सामूहिक रूप से निकलते हैं। आज का ये मार्च देवेंद्र सिंह रजवार रेंजर फोटो के नेतृत्व में निकाला गया। वन विभाग की भाषा में इस मार्च को लंबी दूरी ग्रस्त कहा गया। देवेंद्र सिंह रजवार फोटो ने बताया कि वन्य जीवों की सुरक्षा एवं अवैध पातन की रोकथाम के लिए सामूहिक ग्रस्त की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। उत्तरी जसपुर के फोटो रेंज परिसर 44 नंबर से होते हुए रेंज प्रतापपुर रेंज लगभग 42 किलोमीटर की गश्त है। तस्करों का अंकुश लगाने के लिए ये गश्त की गई है। सुरक्षा और अवैध पातन की रोकथाम में सामूहिक गश्त की जा रही है और क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। सर, ये कहां से गश्त शुरू हुई है और कहां तक चलेगी? ये उत्तरी जसपुर रेंज के फाटो रेंज परिसर से ले गए और 44 होते हुए पतरामपुर रेंज। कितने किलोमीटर की है लगभग? कम से कम हो जाएगी 42 किलोमीटर। सर, ये जैसे लगातार जंगलों से लकड़ी काटी जाती है और शिकार भी किए जाते हैं, क्या सर इस गश्त से उन तस्करों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उन्हीं को अंकुश लगाने के लिए तो किया जा रहा है।